और तमाम बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं समाचार प्लस पर। उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर भी आपको बताएं, एक घंटे में दो कैबिनेट मंत्रियों पर कार्रवाई हुई है। कैबिनेट मंत्री राजकिशोर भी बर्खास्त कर दिए गए हैं और मुख्यमंत्री ने खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को भी बर्खास्त कर दिया है। अखिलेश यादव ने राजकिशोर और गायत्री प्रसाद प्रजापति पर यह कार्रवाई की। दरअसल सीबीआई के रडार पर राजकिशोर सिंह भी हैं। गुड़गांव लैंड डील में राजकिशोर का नाम आ चुका है और राजकिशोर पर जमीन हड़पने के साथ साथ भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। तो एक तरह से ये क्लीनिंग अभियान शुरू किया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। हालांकि ये भी आपको बता दें कि गायत्री प्रसाद प्रजापति मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते रहे और अब खनन मंत्री के पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा राजकिशोर जो कैबिनेट मंत्री थे उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया है। तो महज एक घंटे के भीतर दो कैबिनेट मिनिस्टर्स पर यह बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। आपको हम बता दें कि खनन के अवैध खेल में गायत्री प्रसाद प्रजापति शामिल रहे, उनके बेटे पर भी इसी तरह के आरोप हैं और अब जब सीबीआई के रडार पर ये दोनों लोग थे, गायत्री प्रसाद प्रजापति और राजकिशोर, और ये साफ हो गया था हाईकोर्ट की तरफ से भी कि जो सीबीआई जांच आगे बढ़ाने वाली है वो नहीं रोकी जाएगी, अब इसके बाद अखिलेश यादव की ये कार्रवाई। तो लगातार समाचार प्लस पर हम इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत की बेहद महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि यकीनन ये एक बड़ा मूव है। बड़े मूव के साथ साथ ये एक स्मार्ट मूव भी है और ये स्मार्ट मूव के पीछे सीधे सीधे मंशा यही है कि अब चुनाव में जाना है तो कैसे खुद को साफ और पाक छवि का दिखाया जाए। आलोक पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से, सीधे उनका रुख करेंगे। आलोक, समझाएं ये भी हमारे दर्शकों को कि एक घंटे के भीतर दो कैबिनेट मिनिस्टर्स पर जो कार्रवाई है ये दिखाता क्या है और क्या अखिलेश यादव अब ये समझ रहे हैं कि चुनाव में जनता के बीच जाना तो कम से कम कहने को कुछ हो कि हाँ जो इस तरह के करप्ट मंत्री थे हमने उन पर कार्रवाई की, लेकिन इतनी देर से हुई कार्रवाई। देखिए गर्मा, सबसे पहले तो ये बता दें कि राजकिशोर जो सीबीआई के रडार पे थे ये खबर हम लोगों ने 10 दिन पहले दिखा दिया था, जो कि गुड़ग्राम की जो जमीनों की डील पे राजकिशोर का नाम आ रहा था और सीबीआई उनके पीछे पड़ी हुई थी, इस खबर को हम लोगों ने प्रमुखता से 10 दिन पहले दिखाया था और आज उस खबर पे पूरी तरीके से मोहर लगी है। और जहां तक आप बात कर रही हैं ये स्मार्ट मूव की, तो निश्चित सी बात है कि मुख्यमंत्री का स्मार्ट मूव है, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आ चुका है और किसी भी तरीके का स्पॉट पार्टी पे ना रहे अगर ये दोनों सीबीआई की पूछताछ में जाते हैं, सीबीआई इनको गिरफ्तार करती है, इस तरीके की अगर आने वाले समय में कोई घटना घटती है तो इन दोनों मंत्रियों का जो ताल्लुक है वो समाजवादी पार्टी से ज्यादातर ना रहे और जो सीधा एक इम्पैक्ट आना है उसको वो पार्टी के ऊपर ना। चलिए आलोक, रोक रहे हैं आपको। नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्दीकी साहब, बेहद स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सबसे पहला रिएक्शन और आपको, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे हम कि आखिर ये इतनी देरी से कार्रवाई क्यों की गई? मोहतरमा, हर मुख्यमंत्री का ये विशेष अधिकार होता है कि किसको चाहे प्रमोट कर सकता है, किसको चाहे डिमोट कर सकता है, हटा सकते हैं। ये सारी चीजें कैबिनेट का डिसीजन, मुख्यमंत्री जी का डिसीजन होता है। अब उन्होंने ये कार्रवाई की है तो जरूर कहीं ना कहीं कोई बात होगी जो उन तक पहुंची है और काफी दिनों से ये मीडिया के जरिए भी चल रही थी। खनन का मामले की बात आ रही थी, इस तरीके की चीजें चल रही थी, लॉ एंड ऑर्डर पे बात होती है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो मुख्यमंत्री जी ने उन पे एक्शन लिया। लेकिन सिद्दीकी साहब, 4.5 साल सरकार को बीत चुके हैं, अब जब चुनावी मौसम है और ऐसा तो नहीं होगा ना कि अखिलेश यादव ये नहीं जानते थे कि गायत्री प्रसाद प्रजापति पर किस तरह के आरोप हैं, वो ये नहीं जानते होंगे कि राजकिशोर किस तरह के कामों में लिप्त हैं, बावजूद इसके ये दोनों कैबिनेट मिनिस्टर अभी तक बने हुए थे और यहां तक कि सरकार हाईकोर्ट भी जाती है सीबीआई जांच रोकने के लिए, जब हाईकोर्ट की तरफ से सीधे ये बात कह दी जाती है कि जांच नहीं रुकेगी, तब इस तरह के एक्शन का हम क्या आशय समझें? देखिए, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। अब इसको प्रोसेस में कैसे जांच मुख्यमंत्री जी उसको करा रहे हैं, अपने हिसाब से देख रहे थे, सारी चीजें जब निकल के आई तभी वो एक्शन ले। अब रैंडम कोई कंप्लेंट करे, सिद्दीकी से पूछने लायक ये है जी, जी आलोक कहिए, मुझे अपनी बात, मैं अपनी कह रहे हैं नावेद सिद्दीकी जी से। जी जी नावेद जी, चुनाव की बात आपने अभी की कि महज कुछ महीने रह गए हैं ये एक्शन लिया गया है, तो मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं मोहतरमा कि हमने जब सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद ही कई दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री का जिनको दिया था उनको, उनसे उनका दर्जा लिया था, उनको हटाया था। उसके बाद प्रतापगढ़ में जियाउल हक मर्डर केस आपको याद होगा, उसमें भी एक कैबिनेट मंत्री को फौरन अखिलेश यादव जी ने उसे इस्तीफा लिया था
और सीबीआई की जांच कराई थी। फिर उसके बाद बदायूं का प्रकरण हुआ जिसमें मीडिया ने और कई लोगों ने हमारे ऊपर उंगली बहुत उठाई, लेकिन फिर भी उसमें भी सीबीआई ने हमें क्लीन चिट दी। तो ऐसा नहीं है कि एक्शन मुख्यमंत्री 3 महीना पहले या 4 महीना पहले चुनाव के ही ले रहे हैं। हाँ। अगर आप गौर से देखिए, अगर आप अपने आर्काइव्स में जाइए, अच्छा, लेकिन नावेद जी, एक और सबसे बड़ी बात जो है नावेद जी कि जब एक आईपीएस अधिकारी ने खनन मंत्री के ऊपर कई तरीके के आरोप लगाए थे, तो खुद आपके जो सुप्रीमो है मुलायम सिंह यादव, उन्होंने उसका सपोर्ट भी किया था और उस आईपीएस अधिकारी को पैदल भी कर दिया था। अब देखिए, ऐसा है कि सारी जांच करने के बाद आज जो डिसीजन हुआ है उसकी बात करें आप, और ये देखें कि माननीय मुख्यमंत्री, इसका मतलब आईपीएस अधिकारी निर्दोष था? आप इसको ये ना कहिए, भाई अगर अगर आज ज्ञातिर प्रसाद प्रजापति अगर गलत साबित हो गए तो उस समय वो आईपीएस अधिकारी इसका मतलब निर्दोष था? नहीं, अब इन्होंने बर्खास्त किया है, अभी क्या इनके ऊपर क्या मामला है, किस लिए बर्खास्त किया है, क्या ये अभी जानकारी हमको भी नहीं है, क्योंकि ये अभी ताजा मामला है। सुबह कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। जानकारी दे देता हूं, दो दिन आप जानकारी ना दीजिए, मुझे मालूम है आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत जानकारी दे रहे हैं, आपको जितनी जानकारी है शायद ही किसी को होगी, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। बिल्कुल, तो आपकी भी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं कि दोनों मंत्रियों पर क्यों कार्रवाई की गई। एक मंत्री मैंने आपको बता दिया, सारा एक्शन लिया गया। एक्शन क्यों लिया गया है, एकदम से क्यों लिया गया? आलोक, दरअसल ये बौखलाहट है, क्योंकि जिस तरीके के सवाल अब सामने आए हैं उसके बाद नावेद सिद्दीकी साहब ने फोन लाइन डिस्कनेक्ट कर दिए, क्योंकि जवाब उनके पास नहीं है। उन्होंने उन तमाम घटनाओं का ब्यौरा दिया है जिस घटना में उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि 4.5 साल से जिस तरह की क्या इन दोनों मंत्रियों पर लगे। गर्मा जी, नावेद सिद्दीकी ये भी नहीं बता सकते थे। आलोक मैं आऊंगी आपके पास। लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है। वाजपेयी साहब, बेहद स्वागत आपका भी समाचार प्लस पर। अभी नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनसे जब सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने फोन लाइन डिस्कनेक्ट कर दी, लेकिन ये दो मंत्रियों का 1 घंटे में बर्खास्त होना, केवल एक लाइन कहना चाहता हूँ, ये ऐसा तथ्य है जिसको मुख्यमंत्री जी अगर ये कहें कि उनके संज्ञान में नहीं था, तो मैं ऐसा मानूंगा जैसे वो दिन को रात कह रहे हैं। जी, 2.25 साल पहले श्री मेहरोत्रा, एनके मेहरोत्रा, लोकायुक्त ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, उनको मंत्रिपरिषद से हटाने की सिफारिश की थी। क्या मुख्यमंत्री जी डिनाई करेंगे उनके मुख्यमंत्री के सचिवालय में ये सिफारिश पड़ी नहीं है लोकायुक्त की? उसके बाद समस्त विपक्षी दलों ने आरोप लगाए थे प्रमाण सहित, 2004 का बीपीएल कार्ड होल्डर गायत्री प्रजापति 2010 आते आते 1000 करोड़ का मालिक कैसे बन गया, ये बात भी मुख्यमंत्री से सरकार से पूछी, तब तो नहीं हटाया था। फिर हाईकोर्ट में जब अमिताभ जो आईपीएस अधिकारी उनकी पत्नी, इनके विरुद्ध हाईकोर्ट में विचार याचिका लेकर गई थी, उस आरोप पर उस अधिकारी को हटा दिया, निलंबित कर दिया अमिताभ ठाकुर को, लेकिन तब भी क्या मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि मेरी जानकारी में नहीं था जी। और उसके बाद हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच का आदेश दे दिया, उस दिए गए आदेश के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री की सहमति से उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में गई कि जिसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, तब भी मुख्यमंत्री कहेंगे हमारे संज्ञान में नहीं था। 1 हफ्ते पहले तक सरकार गिड़गिड़ा रही थी हाईकोर्ट में, सीबीआई जांच मत करो, जब हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं हम सीबीआई जांच करेंगे, तो सरकार ने यह कदम उठाया है, हड़बड़ी में उठाया हुआ कदम है, बड़ी देर से उठाया हुआ कदम है, बड़ी देर कर दी हजूर आते आते। और एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, अब मुख्यमंत्री को लगा कि सीबीआई जांच होगी तो कीचड़ उछलेगी, कीचड़ के छींटे उन पर भी पड़ेंगे, उनकी पार्टी पर भी पड़ेंगे, उससे बचने के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का प्रयास किया मुख्यमंत्री ने, इसके अतिरिक्त कुछ। तो वाजपेयी साहब, दरअसल अखिलेश यादव तो अपने लिए आधार तैयार कर रहे हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं तो कहेंगे क्या, इसलिए कम से कम उन तमाम मुद्दों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो तमाम अपने कदम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बाद जनता के बीच जाए और कहें कि हमने ये बढ़िया काम किए हैं, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कैसे करेगी और बीजेपी जनता के बीच कितना ही अखिलेश यादव जी अब कर ले, गायत्री प्रजापति के पुण्य से और पाप से बच नहीं सकते, अज्ञानता अगर दिखाएंगे तो जनता अज्ञानी नहीं है, जनता सब जानती है। हाई कोर्ट में 2 दिन पहले तक जो व्यक्ति सरकार गिड़गिड़ा के कह रही सीबीआई जांच ना हो, आज उस मंत्री को बर्खास्त कर रही है, जो 2004 में बीपीएल कार्ड होल्डर था, 1000 करोड़ का मालिक है, उसको ये बर्दाश्त कर रहे थे, इनके घर का मामला था। चलिए, तो यानी कि
सीधे सीधे सरपरस्ती की बेशुक्रिया लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी समाचार प्लस के साथ जुड़ने को लेकर, नावेद सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे, हालांकि बौखलाहट में सवालों का जवाब नहीं दे पाए और बौखलाहट इतनी ज्यादा बड़ी कि फोन लाइन उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दी, सवालों का जवाब नहीं दे पाए। लेकिन वाकई ये सवाल तो पूछा जाएगा जिस तरह से अभी तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है कि 4.5 साल बाद ये जो कार्रवाई हुई है, आखिर इसका आशय क्या समझा जाए और क्या वाकई ये स्मार्ट मूव अखिलेश यादव की तरफ से उठाया गया है। गायत्री प्रसाद की बर्खास्तगी की इनसाइड स्टोरी, दो दिन पहले गायत्री प्रसाद के ठिकानों पर पहुंची थी सीबीआई की टीम और आपको हम बता दें कि गायत्री प्रसाद के ठिकानों से सीबीआई ने कई सबूत इकट्ठे किए थे। सीबीआई ने गायत्री प्रसाद प्रजापति से पूछताछ भी की थी और इसी के बाद जब अखिलेश यादव को ये समझ आया कि अब सीबीआई के रडार पर गायत्री प्रसाद प्रजापति है और बच नहीं पाएंगे जांच से, तो इसके बाद अब ये आनन फानन में बर्खास्तगी की कार्रवाई। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर समाचार प्लस पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा राजकिशोर पर कार्रवाई हुई है, बर्खास्त उनको भी कर दिया गया है और राज्यपाल को यह बर्खास्तगी का खत भेजा जा चुका है। दरअसल गायत्री प्रसाद प्रजापति पर अवैध खनन कराने का आरोप है, जमीनों पर अवैध कब्जे करवाने का भी आरोप है। हालांकि मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और गायत्री प्रसाद के बेटे पर भी इसी तरह के आरोप हैं, अवैध खनन के, जमीन कब्जाने के। और अब जब सीबीआई के रडार पर है, सीबीआई के शिकंजे में, जांच के दायरे में बेहद जल्द गायत्री प्रसाद प्रजापति आ सकते हैं, तब इस तरह की कार्रवाई सीएम की तरफ से की गई है, क्योंकि अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट सीबीआई जांच के आदेश दे चुका है। तो गायत्री प्रसाद प्रजापति को अगर विवादों का प्रजापति कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है। 1,81,00,000 से बढ़कर 942 करोड़ संपत्ति हो चुकी है गायत्री प्रजापति की। लखनऊ में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा कर बेचने का भी आरोप है। इसके अलावा बेटे पर अमेठी तहसील की जमीन पर कब्जे का आरोप है। अमेठी की एक विधवा महिला ने यह जमीन कब्जाने का आरोप उन पर लगाया था और गायत्री के बेटे अनुराग पर महिला को अगुआ करने तक का आरोप है। गायत्री प्रजापति पर बेटी को कन्या विद्याधन दिलाने का आरोप है। अपनी बेटी को वो कन्या विद्याधन दिलाते दिखे थे। 2012 में अमिताभ सिंह को हराकर अमेठी से पहली बार वो विधायक बने और फिर उन्हें मंत्रालय में शामिल किया गया, खनन मंत्रालय दिया गया। तो ये विवादों के प्रजापति रहे हैं गायत्री प्रसाद प्रजापति। आलोक पांडे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, सबसे पहले तो यही सवाल, अभी नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े थे, सवालों का जवाब नहीं दे पाए, बौखलाहट इतनी ज्यादा है, तो वाकई जब ये अलग अलग नेता जनता के बीच जाएंगे तो सवालों का जवाब दे पाने की क्या स्थिति में होंगे? देखिए गर्मा, नावेद सिद्दीकी इसलिए फोन छोड़ के भाग गया क्योंकि उनको ये भी नहीं पता होगा कि उनसे विभाग क्यों लिया गया। हम लोग पास उसकी भी इनसाइड स्टोरी है। अगर नावेद सिद्दीकी फिर से फोन पे जुड़ते तो उनसे ही भी सवाल पूछा जा सकता था कि आपको क्यों हटाया गया था जब आप भी, क्योंकि नावेद सिद्दीकी भी मंत्री रह चुके थे, इनकी भी किसी एक डील में नाम आया था जिसके कारण मुख्यमंत्री ने इनको हटा दिया था। निश्चित सी बात है कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जो पार्टी के ऊपर किसी भी तरीके के स्पॉट बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं और खासतौर से उस समय पे जब चुनाव एकदम नजदीक आ चुका है, एकदम सर पे आ चुका है, दहलीज पे आ चुका है, और इन सारी चीजों को लेते हुए मुख्यमंत्री ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया और दो बड़े, आपको बता दें दोनों ही, चाहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की बात कहते हैं या राजकिशोर की बात कहते हैं, राजकिशोर भी बहुत छोटे मंत्री नहीं है, मुलायम सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, उनसे करीबी रिश्ता रखते हैं और काफी करीबी माने जाते हैं, उनका भी उन्होंने विकेट गिराया है और साथ साथ गायत्री प्रसाद प्रजापति का विकेट भी गिरा दिया है। निश्चित सी बात है कि दोनों जो इनके मंत्री हैं ये सीबीआई के रडार पे हैं, जहां पे राजकिशोर गुड़ग्राम वाली एक जमीन के डील पर उनका नाम आ रहा था सीबीआई की रडार पे, वहीं पे गायत्री प्रसाद प्रजापति अवैध खनन और खनन के चलते जो उनका नाम है वो लगातार सीबीआई के उसमें आ रहा है। तो इन दोनों को आज या कल सीबीआई अगर कायदे से ग्रिप करेगी, ग्रिल करना शुरू करेगी, तो और भी लोगों के कई नाम निकल कर आएंगे सामने। इन सारी चीजों से बचने के लिए मुख्यमंत्री का निश्चित सी बात है, एकदम स्पष्ट सी बात है कि इसको स्मार्ट मूव कहा जाएगा। आलोक लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस समय की एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें, दो कैबिनेट मंत्रियों की बर्खास्तगी के बाद अब विभागों का बंटवारा हो गया है और मूलचंद चौहान को खनन मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा एक और नाम सामने आ रहा है, राम गोविंद चौधरी का, जिन्हें पंचायती राज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो दोनों महक में बांट दिए गए हैं, दोनों जिम्मेदारियां बांट दी गई है और बेहद त्वरित, बेहद आनंद फानंद में कार्रवाई चल रही है। 1 घंटे के भीतर 2 कैबिनेट मंत्रियों को हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है और उसके बाद 2 नाम सामने भी आ जाते हैं जिन्हें वो दोनों मंत्रालयों का भार सौंप दिया जाता है। राम गोविंद चौधरी को पंचायती राज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और इसके अलावा खनन मंत्री बना दिया गया है मूलचंद चौहान को। तो ये भी यानी कि पहले से चीजें तय थी और ये
एक त्वरित कार्रवाई के तौर पे दिखा जरूर, लेकिन ये उतनी भी त्वरित कार्रवाई नहीं थी। ये तमाम चीजें थी क्योंकि दो तीन दिन पहले जब साफ हो गया था कि हाईकोर्ट की तरफ से कि अब सीबीआई जांच नहीं रुकेगी और सीबीआई जांच उन तमाम लोगों के खिलाफ चलेगी जो इस तरह के धंधे में शामिल है, इस तरह के गोरख धंधे में शामिल है, अवैध खनन में शामिल है या फिर जमीन पर कब्जे करने के मामलों को लेकर जो आरोपी है। आलोक पांडे हमारे साथ लगातार बने ही हुए हैं। आलोक, यही सवाल मेरा आपसे है कि जितनी त्वरित ये कार्रवाई दिखती है, क्या अंदर खाने ये उतनी त्वरित कार्रवाई है? क्योंकि दो नाम अभी गए, कैबिनेट मिनिस्टर से बर्खास्त किए गए और दो नाम अभी सामने आ गए। पूरी तरीके से गर्मा प्री प्लान कार्रवाई है ये, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और जो बड़े और भी जो परिवार के मुखिया हैं, चाहे शिवपाल जी की बात करें, रामगोपाल, सारे के सारे लोग दिल्ली में हैं पिछले उससे, अब आज के समय में वो लोग दिल्ली में होने के बाद ये कार्रवाई की गई। कहीं ना कहीं दोनों मंत्री जाके रोना भी नहीं रो सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और इससे पहले की कोई चीज हो, इससे पहले की इन सारी चीजों पर कोई दूसरा थॉट, बड़े जो परिवार के लोग हैं वो कोई दूसरा थॉट ले, तुरंत दोनों विभाग को बांट दिया गया। इसका मतलब पूरी तरीके से प्लान, नाम भी एकदम प्लान थे, सारी चीजें प्लान थी, सारी चीजें एकदम तरीके से थी कि राज्यपाल को तुरंत एक चिट्ठी लिख के दोनों की बर्खास्त की बात की गई, वहीं दोनों नाम भी सजेस्ट कर दिए गए। और ये उस समय की जब कई जो मुखिया थे वो पिछले कल पूरे समय पे दिल्ली में थे, और दिल्ली में ही दोनों जो मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के वो थे, और उसके बाद ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो स्मार्ट मूव अखिलेश यादव का जो लिया गया है कि जो एक डैमेज कंट्रोल लगातार जो अगर आने वाला डैमेज को अभी से कंट्रोल करने की जो कोशिश है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल आलोक यही है कि जो स्मार्ट मूव उठाया गया है, जो स्मार्ट मूव लिया गया है, क्या उसका वही फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा जिस मंशा से, जिस मकसद से ये तमाम चीजें अभी की जा रही है, और क्या वाकई जनता इतनी भोली है जो सब कुछ नहीं समझ पाएगी? बेहद शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी बातचीत के लिए। बड़ी खबर, हम लगातार ये बता ही रहे हैं दर्शकों को कि दो नाम गए हैं कैबिनेट मिनिस्टर जिन्हें बर्खास्त किया गया है, उन दोनों की जगह अब दो लोगों को ये जिम्मेदारी बांट दी गई है। तो गायत्री प्रसाद प्रजापति का जो सफर है, बीपीएल से अरबपति तक का सफर है, ये आपको बता दें 2012 में पहली बार विधायक बने और एपीएल कार्ड जारी हुआ। 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते, और आपको बता दें कि उस समय 1,81,00,000 की संपत्ति थी गायत्री प्रजापति के नाम, लेकिन 28 जुलाई 2013 को गायत्री को खनन मंत्री बनाया गया, और 2013 में खनन मंत्री बनते ही अवैध खनन का काम धड़ल्ले से शुरू हो गया, प्रोफाइल भी वैसा ही मिल गया जैसा चाहते थे। मंत्री बनने के 2 साल के भीतर प्रजापति की संपत्ति 900 करोड़ के पार पहुंच जाती है, न सिर्फ अपने बल्कि अपने करीबियों के नाम पर भी करोड़ों की संपत्ति गायत्री प्रसाद प्रजापति खरीद डालते हैं, कई बंगले और गाड़ियां उनके नाम है। इसके अलावा ये बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 2002 में बीपीएल कार्ड होल्डर हुआ करते थे, 2012 में जब विधायक बने तब जाकर तो एपीएल कार्ड इनके नाम पर बना है। तो ये तकरीबन जो 12-13 सालों का सफर रहा है, ये गायत्री प्रसाद प्रजापति के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा। उनके बेटे तक पर आरोप है कि अमेठी तहसील की जमीन पर उन्होंने कब्जा किया है, और एक विधवा महिला ने जमीन कब्जाने का आरोप उन पर लगाया था, और ये तमाम चीजें लंबे समय से चली आ रही। बेटे अनुराग पर महिला के अपहरण का भी आरोप है। इसके अलावा गायत्री प्रजापति पर बेटी को कन्या विद्याधन दिलाने का आरोप है, अपनी बेटी को वो कन्या विद्याधन दिला रहे हैं। 2012 में अमिता सिंह को हराया, अमेठी से पहली बार विधायक बने, और आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप। ये तमाम चीजें हालांकि 4.5 साल से भी जस की तस थी, जब उन्हें खनन मंत्री बनाया गया था तब भी आंकड़े यही थे, लेकिन तब से अब तक चला आ रहा था, और अब जब चुनाव बेहद सिर पर है तो ये कार्रवाई की गई है सीबीआई के रडार पर आने के बाद। तो गायत्री प्रसाद की बर्खास्तगी की इनसाइड स्टोरी 2 दिन पहले हमने आप तक पहुंचाई थी, क्योंकि इसके ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंची थी, और गायत्री प्रसाद के ठिकानों से सीबीआई ने कई सबूत, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज इकट्ठे किए थे। सीबीआई ने गायत्री प्रसाद प्रजापति से पूछताछ भी की थी, और ये खबर आप तक हम 2 दिन पहले पहुंचा चुके हैं। तो बर्खास्तगी की इनसाइड स्टोरी है कि सीबीआई की टीम पहुंची, कई सबूत और दस्तावेज वहां से इकट्ठा किए, और सिर्फ न सबूत इकट्ठा किए बल्कि गायत्री प्रसाद प्रजापति से सीबीआई की टीम ने इंक्वायरी भी की, पूछताछ भी की, और जैसे ही ये साफ हुआ कि अब सीबीआई की जांच से गायत्री प्रसाद प्रजापति नहीं बच पाएंगे, ठीक वैसे ही ये स्मार्ट मूव लेते हुए अखिलेश यादव ने उनको बर्खास्त कर दिया।
तो उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर समाचार प्लस पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं कि मुख्यमंत्री ने खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा ये जो खत है बर्खास्तगी का, ये राज्यपाल को भेजा जा चुका है। अवैध खनन कराने का आरोप है गायत्री प्रसाद प्रजापति पर, जमीनों पर अवैध कब्जे करवाने का आरोप है। हालांकि मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं, हम लगातार ये बात आपको बता रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं, करीबी माने जाते रहे हैं, सरपरस्ती हासिल रही है मुलायम सिंह यादव की, इसीलिए अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाती थी। गायत्री प्रसाद के बेटे पर भी इसी तरह के बेहद संगीन आरोप है जमीन कब्जाने के। और अब जब सीबीआई जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, तब अखिलेश यादव ने एन मौके पर यह कार्रवाई की है। अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के जब आदेश दिए थे तो सरकार हाईकोर्ट गई थी इस जांच को रुकवाने के लिए। फिर हाईकोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि जांच नहीं रोकी जाएगी और जांच चलेगी उन तमाम लोगों के खिलाफ जो कि इस तरह के गोरख धंधे में शामिल हैं। तो जब कोई सूरत नजर नहीं आई, जब कोई एस्केपिंग रूट नजर नहीं आया, तब ये एक्शन लिया गया है, ये कार्रवाई हुई है। और एक तरह से ये आधार भी मजबूत करने की कोशिश है कि जनता के बीच जाना है तो कम से कम हम इसे प्रचारित कर पाए कि हम भ्रष्ट लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी हाल ही में कौमी एकता दल का मसला भी आया था और उस पर भी अखिलेश यादव ने पूरी तरह से अपनी असहमति जाहिर की थी, पब्लिक डोमेन में असहमति जाहिर की थी और ये संदेश देने की कोशिश की थी कि करप्ट लोगों को, भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक बार फिर से 2012 की तस्वीर याद कीजिए, 2012 में जब अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था तो सबसे बड़ी मजबूती यही थी कि अखिलेश यादव की साफ सुथरी छवि है, युवा मुख्यमंत्री बनेंगे और उसी छवि को फिर से दोहराने की और फिर से जनता के बीच ले जाने की कोशिश के तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने राजकिशोर को भी बर्खास्त किया है। राजकिशोर सिंह भी सीबीआई के रडार पर हाल के दिनों में नजर आए हैं। गुड़गांव लैंड डील में उनका नाम आया, जमीन हड़पने और भ्रष्टाचार के आरोप उन पर भी है। ये एक और महत्वपूर्ण खबर, एक और कैबिनेट मिनिस्टर राजकिशोर का नाम है जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है और उन पर भी तकरीबन इसी तरह के आरोप है, जमीन को हड़पने के, भ्रष्टाचार के, और उन पर भी सीबीआई का शिकंजा हाल के दिनों में कसा है। तो महज एक घंटे के भीतर ये दो बड़ी कार्रवाइयां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। राजकिशोर को भी बर्खास्त किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दो कैबिनेट मिनिस्टर हटाए गए हैं, इन दोनों का पोर्टफोलियो अलग अलग लोगों को दे भी दिया गया है।